गाइस वेलकम टू डायमेंशन आइस। कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, कुछ लोग पास हो गए कुछ लोग फेल हो गए। तो बेसिकली आई एम नॉट हियर टू एनालाइज द सिचुएशन कि क्यों पास हो गए क्यों फेल हो गए। आई एम हियर टू एनालाइज वन इंपॉर्टेंट सिचुएशन स्पेसिफिकली अबाउट द महाराष्ट्र कि व्हाई द पीपल ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट गेटिंग इन टू द टॉप 100 टॉप 50 इन अ रेगुलर मैनर। मतलब कभी कभी आ जाते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रेगुलर फीचर। या फिर जो टॉप 100 वाला या टॉप 50 वाला या फिर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वाला सपना कोई नहीं देखता। आई हैव बीन इन दिस फील्ड इंक्लूडिंग माय प्रिपरेशन इयर्स फॉर द लास्ट 14 इयर्स। और जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी मेरे कलीग्स थे या फिर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनको मैं एक सवाल पूछा करता था, एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि व्हाट यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी। सो कुछ लोग कहते थे मुझे पोस्ट चाहिए, कुछ लोग बोलते थे मुझे पास होना है, कुछ लोग बोलते कि मुझे आईएएस होना है आईपीएस होना है, बट नोबडी एवर सेड टू मी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आना है, मुझे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आना है। ये कभी भी किसी ने भी नहीं कहा। और ये बोला जाता है बहुत बार, बहुत सारे ग्रेट पीपल ने भी बोला है कि भाई इफ़ यू डोंट सी द हाई ड्रीम, बड़ा वाला बिग ड्रीम नहीं देखोगे तब तक आप उतनी मेहनत भी नहीं करोगे। एंड देयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन द दिल्ली पीपल एंड द पुणे पीपल। पुणे इसलिए बोल रहा हूँ कि पुणे इज़ कंसिडर एज द सेंटर ऑफ यूपीएससी इन महाराष्ट्र। रादर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, 2016 तक पुणे वॉज द सेंटर ऑफ यूपीएससी, पर 2016 17 18 के बाद स्पेसिफिकली पुणे हैड बिकम द एमपीएससी सेंटर एंड नॉट द यूपीएससी सेंटर। सो पुणे एज अ यूपीएससी सेंटर क्यों डिक्लाइन हो रहा है या फिर डिक्लाइन हो चुका है, देर आर लॉट ऑफ रीजन्स फॉर दैट, बट आई विल गेट इन टू दैट पर्टिकुलर इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। बट स्पेसिफिकली जब मैं मेंटेलिटी ऑफ पुणे पीपल और महाराष्ट्र पीपल, मैं खुद भी उस मेंटेलिटी का विक्टिम रह चुका हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑफिसर नहीं हूँ इंटरव्यू को जाने के बावजूद। एंड दैट पर्टिकुलर वन मेजर डिफरेंस इज द कंटिन्यूटी इट्सेल्फ। ये जो वर्ड कंटिन्यूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अप्रोच ऑफ यूपीएससी स्टूडेंट इन द दिल्ली और अप्रोच ऑफ द यूपीएससी स्टूडेंट इन पुणे इज बेसिकली वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पुणे वाला बंदा क्या करता है या फिर स्टूडेंट क्या करता है कि वो जब मेंस आ जाएगी तब उसके पहले वाले 3 महीने वो सिर्फ प्रिपरेशन करेगा, प्रीलिम्स आ जाएगी तो उससे पहले 3 महीने जो है 4 महीने उसका उतना ही प्रिपरेशन करेगा। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस अगर वो प्रीलिम फेल हो जाता है तो वो स्टडी छोड़ देगा, वो सीरियस नहीं होगा, वो आंसर राइटिंग नहीं करेगा, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल ही विल ट्राई टू फोकस ऑन द प्रीलिम इट्सेल्फ फॉर द होल ईयर। वो मेंस पे फोकस, रादर पुणे इज मोर सेंटर्ड अबाउट द प्रीलिम्स नॉट द मेंस प्रिपरेशन। बल्कि ये जानते हुए कि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो मेंस है, फिर भी ये सारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को ही फोकस करते हैं। रादर महाराष्ट्र हैज द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ प्रीलिम क्लियरिंग। मतलब महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को डरते नहीं हैं, या फिर प्रीलिम्स में क्लियर होने का उनका परसेंटेज शायद ज़्यादा है कंपेयर टू द दिल्ली एज वेल। मतलब जब मैं दिल्ली में था स्पेसिफिकली, और जब मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को जब बताता था कि मेरा पीटी क्लियर हुआ है, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, एंड उस वक्त देयर रिएक्शन इज यार पीटी क्लियर हो गया। सो दैट रिएक्शन सेज कि भाई उनके लिए पीटी इज कंसिडर एज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क, बट मेंस के लिए ओके ठीक है मेंस हो गया एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे पुणे में स्पेसिफिकली प्रीलिम क्लियरिंग और प्रीलिम का फियर नहीं है, लेकिन मेंस का फियर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन फोकस ही मेंस नहीं है। और जब प्रीलिम फेल हुआ और वहाँ का बंदा क्या करता है कि प्रीलिम पास हुआ है फेल हुआ है डजंट मैटर फॉर ईयर, ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ही विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन द मेंस प्रिपरेशन बाय डिसम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम फेल होने के बावजूद ठीक है बाबा आपका एक हफ्ता आपके जो मायूस हो रहे हैं, आप प्रीलिम फेल हो गई ठीक है, दुख तो होता है सबको होता है, तो हफ्ता भर ठीक है, लेकिन हफ्ते के बाद यू शुड स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन इमीजिएटली बाय डिसम्बर। डिसम्बर के बाद फिर से आप प्रीलिम मोड में शिफ्ट हो जाओ। आप गलती ये करते कि प्रीलिम को ही फोकस कर लेते हो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइटिंग नहीं करते हैं, डेली आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। कितने बच्चे करते हैं? नहीं करते हैं, पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, आंसर राइटिंग इज़ 0, ऑलमोस्ट 0।
एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज हार्मिंग द यूपीएससी कैंडिडेट्स इन पुणे. सो लेट मी टेल यू वन थिंग इम्पॉर्टेंटली वेरी, कि दिल्ली के बंदा ये नहीं सोचता कि मुझे इस साल होना है या अगले, वो किस अटेम्प्ट में हुआ है या फिर होने वाला है इसको कोई दिक्कत नहीं उसके लिए. वो बंदा ये चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो और उसके लिए मुझे अभी से डेली आंसर राइटिंग या आंसर राइटिंग करना ही है हर रोज़ द हर 15 डेज़ को मुझे ऐसे लिखना ही है हर 15 डेज. ये नहीं करते कंटिन्यूटी. प्रीलिम फेल होने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं, पुणे के स्टूडेंट बहुत रिलैक्स हो जाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर कंटिन्यूटी डजंट गेट देम इन टू द टॉप 50 रैंक्स. बहुत स्पोरेडिक आ जाता है और आप मुझे एक्यूज भी करोगे कि यार आए तो हैं इस बार, कितने आए हैं, ऑल इंडिया रैंक कब आया था महाराष्ट्र का पता भी है, या फिर टॉप 10 में कितने हैं महाराष्ट्र के, नोबडी. व्हाई वी आर नॉट इन द टॉप 10 एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द होल ईयर दो यू क्लेम टू बी. थैंक यू वेरी मच.